हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न फेस्टिव ब्लाउज हॉल अंडर जस्ट ₹500। वेडिंग सीजन इज ऑलरेडी हियर और वेडिंग सीजन में लहंगा हो या साड़ी, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लाउजेस तो जरूरत होती ही है। ब्लाउजेस आर वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर हम लोग साड़ी भी नहीं पहनते, लहंगा पहनते हैं, लेकिन लहंगा हर टाइम टेलर के पास जाकर उसे स्टिच कराने का टाइम तो हमारे पास नहीं होता, तो उस टाइम क्या है, हम लोग इस तरीके के रेडीमेड ब्लाउजेस को पहन सकते हैं एज अ लहंगा ब्लाउज। ये काफी टाइम सेव भी करता है एंड गिव्स अ वेरी क्लासी लुक। सो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके के वर्सेटाइल ब्लाउज शेयर करने जा रही हूँ, विच आर वेरी अफोर्डेबल एंड जस्ट अंडर ₹500। अमेजन से आप उन्हें इजिली परचेज कर सकते हैं। सो दीज विल बी वेरी यूजफुल फॉर दिस वेडिंग सीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अमेजन द ब्यूटी सेल इज लाइव फ्रॉम 23rd टू 27th ऑफ नवम्बर। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, इन सारे ब्लाउजेस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। सो मेक श्योर यू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो पहला जो ब्लाउज है वो ऑब्वियसली विच आई एम वेयरिंग टुडे, ये एक काफी खूबसूरत बॉटल ग्रीन कलर का ब्लाउज है जिसके ऊपर गोल्डन कलर में बूटीज दी गई है, तो ये एक इंडियन टच भी ऐड कर रहा है। बोट नेक है विच इज ऑल्सो ट्रेंडिंग। ये जो नेक स्टाइल है ये काफी ट्रेंड में है आजकल एंड इसमें जो हुक पैटर्न है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है एंड बहुत सारे हुक अवेलेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट इस ब्रांड की जो मुझे लगती है कि वो लोग ना काफी ज्यादा कपड़ा रखते हैं। अगर आपका टाइट हो रहा है स्लीव्स पर या फिर बॉडी पे टाइट हो रहा है बट स्लीव्स पर नहीं, तो आप इस जो स्टिचिंग है ना उसे ओपन भी कर सकते हैं। सो काफी एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है यू नो टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, विच आई लव मोस्ट अबाउट दीज काइंड ऑफ ब्रांडेड ब्लाउजेस फ्रॉम अमेजन। बॉटल ग्रीन एक ऐसा वर्सेटाइल कलर है ना जो आप रेड के साथ भी इसे कॉन्ट्रास्ट में पेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर गोल्डन काम है तो आप इसे किसी भी गोल्डन साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं विद दिस ब्राइट बॉटल ग्रीन कलर्ड ब्लाउज। लहंगा अगर आपका कोई रेड कलर का है उसके साथ भी कॉन्ट्रास्ट में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, गोल्डन कलर के लहंगा के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल कलर फॉर फेस्टिव सीजन, फॉर वेडिंग सीजन। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो अगेन इसी पैटर्न में ही है एंड इसमें पूरा ब्रोकेट का काम किया गया है एंड लुक एट द क्वालिटी इज सो प्रीमियम। एंड इसके ऊपर ना गोल्डन, ये पूरा बेज कलर में है जिसके ऊपर गोल्डन डिटेलिंग है जिससे इसके अंदर एक काफ़ी खूबसूरत सा फेस्टिव लुक आ रहा है। एंड इसके अंदर भी लाइलिन दी गई है, ये पैडर्ड नहीं है तो ये जो कॉटन का लाइलिन है इसकी वजह से कपड़ा चुभता नहीं है। कभी कभार होता है कि यही सेम ब्लाउज हम पहनते हैं लेकिन थोड़ा सा हमने वेट पुट ऑन कर लिया तो इसे लूज करना है, तो आप यहाँ से इसे लूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक स्टिच है फिर यहाँ पर दूसरा देन थर्ड एंड ये है फाइनल स्टिच, तो यहां तक आप ये पूरा पोर्शन को आप ओपन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। एंड इसमें भी बोट नेक पैटर्न में है, स्लीव्स इसके एल्बो के ऊपर तक आएगी आपकी स्लीव्स, ये बॉटल ग्रीन कलर का भी सेम है, एल्बो के ऊपर तक स्लीव्स आएगी यहाँ तक एंड स्लीव्स में भी सेम कपड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। ये बोट नेक है एंड पीछे भी आपको बहुत सारे हुक ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड स्टूडियो श्रीनगर। आई लव द ब्रांड पर्सनली। मैंने यहाँ पर 34 साइज में लिया है। 34 साइज एक ऐसा साइज है जो कि सेफ साइड में है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मुझे लूज करना है, मुझे टाइट करना है, तो मैं कर सकती हूँ। The hooks are also of very good quality. And blouse की जो height है वो काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं कि एकदम short है, bust area को सिर्फ cover करेगा, ऐसा नहीं है, ये decent एक height की blouse है। ब्लैक इज़ अ वेरी वर्सेटाइल कलर, लहंगा हो या साड़ी, ब्लैक कलर के ब्लाउजेज हमें बहुत सारे चाहिए होता है। सो रिसेंटली मैंने ये परचेज किया है फ्रॉम द ब्रांड रेने एंड यू ऑल कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द नेकलाइन इज़। ये फ्रंट साइड है एंड ये एकदम सिल्क साटिन मटीरियल में है, इसमें भी एल्बो के ऊपर तक की लेंथ की स्लीव है एंड यू ऑल कैन सी स्लीव के साइड पर यहाँ पर एक गोल्डन कलर की डिटेलिंग दी गई है एंड इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टोन वर्क की गई है, थोड़ा सीक्वेंट वर्क भी है जो कि इसको एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक ऐड कर रहा है। नेक में आप लोग देख सकते हैं हाई नेक पैटर्न में है, सामने फ्रंट साइड हुक है, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा एंड इस तरीके का हाई नेक पैटर्न आजकल ट्रेंड में है। एंड बैक पोर्शन आप लोग देखिए, बैक में यहाँ पर पान पत्ता डिज़ाइन की गई है एंड एट द सेम टाइम
पीछे भी इस तरीके के डिटेलिंग दी गई है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये प्रिंटेड नहीं है एंड इसमें भी स्टोन एंड सीक्वेंस का काम है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेडिंग सीजन वाला ब्लाउज. नेक्स्ट ब्लाउज अगेन एल्बो के ऊपर तक लेंथ की है इसकी स्लीव्स, क्योंकि इसके अंदर भी कॉटन की लाइनिंग दी गई है. कपड़ा ब्रोकेट काइंड ऑफ चंदेरी काइंड ऑफ कपड़ा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैब्रिक नेम. और ये है इसके ब्रांड डिटेलिंग एंड ऑल. इसका बोट नेक पैटर्न नहीं है, इसका नेक एकदम नॉर्मल नेक है, थोड़ा सा डीप है शोल्डर की तरफ, थोड़ा सा डीप रहेगा लेकिन अंदर ज़्यादा इसका डीप नहीं है. सो इट्स अ डिसेंट कवरेज. और ये भी पैडर्ड नहीं है. इसमें जो हुक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. इसमें आपको इसे सिक्योर करने के लिए कोई भी सेफ्टी पिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द हुक्स आर ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. इसमें चार या पांच हुक्स दी गई है एंड इसमें बैक साइड में इस तरीके की डोरी दी गई है जिसे आप बांध सकते हैं. इसका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है मैंने जैसे कहा, तो इसमें डोरी दी गई है ताकि आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं. इसका जो बैक है वो ज़्यादा डीप नहीं है, डिसेंट कवरेज है आई वुड से, इतने तो ब्लाउजेस में होते ही है. सो आई पर्सनली लव्ड द कलर स्पेशली, क्योंकि इसका कलर ना रेड भी नहीं है और पिंक भी नहीं है. आई डोंट नो कैमरा में ये थोड़ा सा रेड दिख रहा है बट एक्चुअली में ये उतना रेड नहीं है. द कलर इज़ वेरी अनकॉमन, जो आप किसी भी रेड के साथ भी पेयर कर सकते हैं, किसी भी पिंक आउटफिट के साथ भी पेयर कर सकते हैं. इसके ऊपर ऑल ओवर गोल्डन डिटेलिंग दी गई है विच इज़ ऑल्सो लुकिंग फैब. लास्टली मैं एक पैडेड ब्लाउज शेयर करना चाहती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्टूडियो श्रीनगर एंड आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस किसी हॉल वीडियो में इसे शेयर किया था बट अभी तक मैंने इसे नहीं पहना है. दिस इज़ ऑफ द साइज 34. ये पैडेड ब्लाउज है, स्लीव का लेंथ इसका छोटा है. ये जो नॉर्मल स्लीव्स होते हैं हमारे टी शर्ट्स वगैरह, वो टी शर्ट स्लीव लेंथ है एंड ऑल ओवर द स्लीव के जो नीचे का वाला बॉर्डर है वहाँ पर इस तरीके के पॉम्पॉम डिटेलिंग दी गई है विच लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट. डोरी दी गई है पीछे बांधने के लिए एंड ऑल ओवर द बैक एंड फ्रंट पोर्शन में आपको इस तरीके की पॉम्पॉम डिटेलिंग्स मिल जाएगी. इसका जो कपड़ा है वो सिल्क मटेरियल में है एंड अंदर इसके कॉटन की लाइनिंग दी गई है. पैडर्ड है एंड द पैड्स आर ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. सो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. इसका जो प्राइस था ना वो भी अंडर जस्ट 500 रुपीज था. एक पैडर्ड ब्लाउज जो कि 500 रुपीज का अंदर, हाउ अफोर्डेबल इज दैट. सो दिस कंप्लीट्स माई टूडेज हॉल. अगर आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें फॉर ऑल द परचेज लिंक्स. आज का वीडियो यहाँ तक ही था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.